नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पे तीन अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में जो है बॉकन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है और इनके लिए आवेदन मांगे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो बकलो छावनी में जो केंद्रीय विद्यालय है यहाँ पे जो है 16 और 17 फरवरी को जो है कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो पद रहेंगे जो 16 तारीख को इंटरव्यू होगी उसमें जो प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हो गया आपके पीजीटी अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत खेलकूद प्रशिक्षक हो गया डॉक्टर नर्स और काउंसलर के पदों तो जो है 16 फरवरी 2024 को जो है इसका इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इस तरह दोस्तों 17 फरवरी को आपका स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी अंग्रेजी गणित भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जीव विज्ञान वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र स्नातकोत्तर शिक्षक संगणक कंप्यूटर अनुदेशक विशेष शिक्षक आर्ट्स एवं क्राफ्ट कोच के जो है इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करते हैं जो इसके लिए क्या शिक्षक क्या जो एलिजिबिलिटी रहेगी। दोस्तों प्राइमरी टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी 12th पास होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी JBT FTC और आपका CTET आपका पास होना चाहिए। इस तरह दोस्तों TET के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कन्फर्म सब्जेक्ट में जो है आपका कन्फर्म सब्जेक्ट होना चाहिए जैसे TET संस्कृत हो गया इंग्लिश हो गया SST हो गया ये आपके इसमें होनी चाहिए डिग्री वगैरह। और साथ में क्या है दोस्तों इन्होंने यहाँ पे जो CTET होना चाहिए आपका CBSE लेवल का यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इस तरह दोस्तों हम बात करते हैं PGT के लिए। PGT के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी आपकी वो आपकी 50% मार्क्स ग्रेजुएशन होना चाहिए कन्फर्म सब्जेक्ट में भी आपकी BEd होनी चाहिए। इस तरह PGT कंप्यूटर साइंस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी आपकी जो है BTech BE या PGDCA या MSc या BCA BCA प्लस PGDCA प्लस PG और O लेवल या DOEAC प्लस PG और C लेवल DOCE DOEAC ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इस तरह कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी आपकी वो BTech BE BCA MCA MSc इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद CS या MSc IT या BSc और बैचलर मास्टर डिग्री इन साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में आपकी होनी चाहिए। इस तरह दोस्तों अब बात करते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोच के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट में होना चाहिए और स्पोर्ट्स कोच के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी आपकी BPEd होनी चाहिए और डॉक्टर के लिए क्या है आपकी MBBS होनी चाहिए। नर्स के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या है आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग भी आप जो है रजिस्टर होना चाहिए MCI से। इस तरह दोस्तों काउंसलर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो आपकी BA BSc इन साइकोलॉजी भी डिप्लोमा इन काउंसलिंग में आपका होना चाहिए। इस तरह स्पेशल एजुकेटर के लिए दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी रहेगी वो आपकी DED स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन पदों के लिए आपको कैसे आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको जो है इंटरव्यू के दिन ही आपका जो है आपको अपना फॉर्म जमा करवाना होगा तो उसी दिन आपको अपना जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना होगा और उसी दिन आपकी इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू दोस्तों मैंने आपको बता दी 16 फरवरी 17 फरवरी को यहाँ पे होने वाली है। दोस्तों हम बात करेंगे अगले विद्यालय की। इसी तरह दोस्तों केंद्रीय विद्यालय केलांग लाहौल स्पीति में भी जो है इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है और ये साक्षात्कार जो इंटरव्यू होगी आपके 28 फरवरी 2024 को होगी। यहाँ पे जो पद रहेंगे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर प्राइमरी टीचर TGT हिंदी इंग्लिश साइंस SST मैथ एंड संस्कृत के पदों के ऊपर जो है इंटरव्यू का आयोजन होने जा रहा है। इन पदों के लिए दोस्तों आपको जो अपना आवेदन फॉर्म है वो 13 तारीख से लेकर 28 फरवरी 2024 तक जो है आपको डाक के माध्यम से या बाई हैंड भी आप सबमिट करवा सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों क्या है आपको साक्षात्कार के लिए जो है 28 तारीख को जो है विद्यालय में पहुंचना होगा और योग्यता मैंने आपको दोस्तों बताई दी है कि क्या क्या इसके लिए योग्यता रहने वाली है। और कुछ इस तरह का दोस्तों ये जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा नीचे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको फिलअप करके ले जाना जमा करवाना होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको बाय हैंड या बाय स्पीड पोस्ट जो जमा करवाना होगा। एड्रेस आपका वही रहेगा केंद्रीय विद्यालय केलांग के एड्रेस के ऊपर आपको ये सेंड करवाना होगा। अब हम दोस्तों बात करेंगे अगले विद्यालय की। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय PM श्री केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में जो है कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे जो पद रहेंगे आपके PGT फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी कॉमर्स इकोनॉमिक्स और TGT मैथ साइंस इंग्लिश सोशल साइंस हिंदी संस्कृत PRT बाल वाटिका टीचर केयर गिवर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर स्पोर्ट्स कोच योगा नर्स बस स्पेशल एजुकेटर के पद जो है इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको जो है अपना
एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसको डाक के माध्यम से जो है केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर के जो एड्रेस है वहां पे आपको सबमिट करना होगा या बाई हैंड भी आप सबमिट कर सकते हैं। और उसको जो जमा करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 27 फरवरी 2024 रहेगी। 27 फरवरी 2024 तक जो है आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है हमीरपुर केंद्रीय विद्यालय में जमा करवा सकते हैं। और इसके लिए जो इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा वो उन्होंने बताया है कि 5/3/2024 को सुबह 9:30 बजे केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में किया जाएगा। दोस्तों जो कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो वो इन पदों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना फॉर्म जो है 27 फरवरी 2024 तक जो है केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर के एड्रेस के ऊपर बाई हैंड भी सबमिट करवा सकते हैं और बाई स्पीड पोस्ट भी सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारे पास जॉब्स की अपडेट। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट अपडेट में। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।